Bana geri vur lütfen. Ne सर, COVID-19 का इंजेक्शन लगा वैक्सीन लेके बाहर निकले हैं तो मेरे ख्याल में 5 मिनट हो गया लगाए हुए, तो किस तरह से फील कर रहे हैं आप अपने? जय भीम, जय भारत। फील आज सुबह मुझे मैसेज आया कि आज आपकी यहाँ पे टर्न है इंजेक्शन के लिए, जो वैक्सीन है COVID-19 की निकली हुई, एंटीडोट निकला है, तो उसके लिए आई एम फीलिंग वेरी मच प्राउड कि एज एन वॉलंटियर जब मैंने यूनाइटेड कठुआ में भी काम करा था, उसमें जब हम लोगों को देखते थे इस बीमारी से जूझते हुए, इस बीमारी के जो दुष्प्रभाव थे उनके थ्रू जाते हुए देखते थे, तो हमें लगता था कि काश जल्दी से जल्दी ऐसी कोई वैक्सीन आए जिससे लोगों को राहत मिले। तो आज वो वैक्सीन हम लोगों के बीच में है और जो टेस्टिंग डोज है उसके लिए भी हम वॉलंटियरली बाहर आना चाहते थे, तो आज गवर्नमेंट ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक मौका दिया कि हम लोग खुद वॉलंटियरली आके ये टेस्ट करें। तो जो टेस्ट सीरीज़ है जो इंजेक्शन वैक्सीनेशन की, उसमें आज हमने यहाँ पे आके अपना जो वैक्सीन है वो लिया है, अभी तक काफ़ी अच्छा ठीक है, कोई वैसा इसका दुष्प्रभाव दिख नहीं रहा और बाकी आगे देखते हैं इसका क्या। सर, JK ब्लड डोनर में भी आपने सेवा दी थी कोरोना वायरस के टाइम पे। जी जी, अभी आप DDC के उम्मीदवार भी चुनकर, पार्षद चुनकर आए हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपने हालात जो है वो बिल्कुल करीब से देखे हैं, तो क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि जब लोगों की पब्लिक सिविल लोगों की बारी आएगी तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को वैक्सीनेशन के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एज अ वॉलंटियर ऑफ टीम JK ब्लड डोनर्स एंड टीम यूनाइटेड कठुआ और एज एन DDC नगरी परोल, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, सारी जनता जनार्दन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वॉलंटियरली आके ये वैक्सीनेशन लें, बिकॉज इससे आपके अंदर एंटीडोट, जो आपके जो बैक्टीरियाज हैं, जो भी अब अंदर हमारा जो इस बीमारी COVID-19 को हराने के लिए जो बैक्टीरियाज चाहिए, जो हमें एंटीडोट चाहिए, वो इस वैक्सीन के थ्रू हमारे अंदर इंजेक्ट किए जाएंगे, ताकि आने वाला जो टाइम है, जो आगे जाके अगर ये बीमारी रिपेल करती है या आगे जो इसका स्प्रेड आगे फैल रहा है उसको हम कंट्रोल किया जा सके। अभी सिर्फ वॉलंटियर को वैक्सीनेशन भी जा रही है जी, आप DDC हैं तो आप अभी जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए, कि आपके दिमाग में इसका क्या भी चल रही है कि अभी जनता भी? सर, देखा जा रहा है कि नगरी में 21 तारीख से जो वैक्सीनेशन शुरू हुई है और आज लगातार चल रही है, तो कितने लोगों ने अभी तक लगवा लिया और कितने लोगों ने लगवाई है? सर, यहाँ पे हमारे पास LTS परोल में वैक्सीनेशन ड्राइव चली है कोविड की, तो यहाँ पे हमारे पास जो कहना हेल्थ केयर वर्कर्स पहले उनको लगी थी, तो उसके बाद जो फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे बेल्ट फोर्स वाले होते हैं, जो CRPF पुलिस पर्सनल वगैरह, उनको लग गई है। तो अभी आज हमारे पास टोटल 81 जो पर्सनस हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स, तो उनको लगी है आज के दिन। सर, देखा जाता है कि रोज की कितनी संख्या रहती है, मोर देन पीपल्स द बेनिफिट ऑफ वैक्सीन्स?
जैसे कल हमारे पास 97 वैक्सीनेशन हुई थी, तो ऑलमोस्ट मतलब कि 100 तक चल रही है डेली। सर अभी तक रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं? हाँ रिजल्ट अच्छे हैं, लोग आ रहे हैं, पर इसमें कई लोग मैंने देखा कि र्यूमर से कई लोग नहीं आ रहे, लेकिन ये आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये जो वैक्सीनेशन है ये जो है टोटल सेफ है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ये सारे लोग आएँ और वैक्सीनेशन लगाएं। सर अभी आम जनता है उसके लिए भी ये वैक्सीनेशन? हाँ ये इसमें नेक्स्ट जो मतलब चल रहा सेशन होगा, ये जो ओल्ड एज हैं जैसे 60 से ऊपर हैं, ये उनका सेशन होगा, ये मे भी लगता है नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। किस तरह की तैयारियां हैं सिविल, जब आम लोगों के लिए आपने वैक्सीनेशन शुरू करनी है, सेकंड दौर सेक्स स्टेप रहेगा, तो किस तरह की तैयारियां रहेगी खासकर? इसके लिए हमें ऊपर से मतलब कि जो करें इंस्ट्रक्शंस हैं वर्दी CMO सर हमारे डॉक्टर अशोक चौधरी, उनकी इंस्ट्रक्शन से हमने एक मतलब कि जो टीम वगैरह बनाई हुई है जो इन फ्यूचर ये सारी जो करना वैक्सीनेशन कराएगी। कहीं कैंप की कैंप का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि वैक्सीनेशन जो है वो लें जरूर, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इस तरह के कोई कैंप लगाए जा रहे हैं, जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं? ये मीडिया के थ्रू ही हम मतलब कि बोलते रहते हैं कि ये सेफ है, तो आप भी ये मैसेज बचाएँ। तो बीच में यहाँ नगरी पोल में जहाँ जहाँ मुझे बुलाया जाता है तो मैं यही मैसेज देता हूँ कि ये वैक्सीनेशन टोटल सेफ है और सारे आके लगाएँ। थैंक यू।